Welcome, students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science, and I'm your computer teacher, Sabrina Ustaz. This is the first video lecture of chapter number one, that is Central Processing Unit. So, आज का जो आपका topic है, वो भी है about Central Processing Unit. आपको मैं बताऊंगी Central Processing Unit, जिसको CPU भी बोलते हैं, वो क्या होता है और वो उसका काम क्या होता है. तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको अभी तक, ठीक है, जब भी आप किसी ने बोला होगा सीपीयू, ठीक है, अगर आपको कोई भी सीपीयू बोलेगा तो आपको आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है आपके दिमाग में यही आता है, ठीक है. बिकॉज जब भी आपको कोई सीपीयू बोला, आपने अभी तक जो भी देखा आपने सीपीयू ऐसे देखा कि इतना बड़ा होता है सीपीयू, इसको हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है. लेकिन दैट इज नॉट द रियलिटी. जो ये है जो अभी आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, जो आपके दिमाग में आता है जब भी आपको कोई सीपीयू बोलते हैं तो आपके दिमाग में जो आता है तो वो यही होती है ना, यही इमेज आती है आपके दिमाग में, ठीक है. लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है, इसे हम लोग सीपीयू बॉक्स कहते हैं, ठीक है. इसको सीपीयू इसलिए सुना होगा अभी तक क्योंकि जो सीपीयू है, जो एक्चुअल प्रोसेसर होता है, वो इसके अंदर होता है, ठीक है. तो लेकिन आज से आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको कोई बोलेगा कि सीपीयू क्या होता है, तब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, ठीक है. अगर कोई भी आपको आज दिखाए, ये इमेज दिखाए, ठीक है, या आपको ऐसा कोई बॉक्स सामने दिखाए, तो आपको बोलेंगे दिस इज सीपीयू बॉक्स. दिस इज नॉट सीपीयू, दिस इज सीपीयू बॉक्स. अब आप सोचेंगे कि अगर सीपीयू बॉक्स है तो फिर क्या है एक्चुअल सीपीयू, ठीक है. तो फिर ये है जो एक एक्चुअल सीपीयू होता है, जिसे हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है. जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, वो इतना छोटा होता है, ठीक है. इनफैक्ट आज तो टेक्नोलॉजी है कि इससे भी छोटा सीपीयू आया है, ठीक है. तो ये क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर में फिक्स होता है, उसी सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है, इसीलिए उसको यूजुअली सीपीयू कहते हैं. बट दैट इज नॉट द राइट, दैट इज नॉट द प्रॉपर टर्म. तो आज से आपको जब भी कोई सीपीयू बोले तो आपके दिमाग में एक छोटी सी चिप आनी चाहिए, ठीक है. जो एक चिप अभी आपको इमेज में दिख रही है, आपके दिमाग में यही चिप आनी चाहिए, ना कि वो पूरा बड़ा सीपीयू बॉक्स, ठीक है. तो आज से कोई भी आपको बोले सीपीयू तो ये प्रोसेसर आना चाहिए दिमाग में. अब अगर कोई आपको दिखाए वो इमेज आपको मैंने पहले दिखाई, तो आप बोलेंगे ये सीपीयू बॉक्स है, ठीक है. तो जैसे कि आपने अब हम देखेंगे कि सीपीयू क्या करता है, ठीक है. आपने अभी तक देखा होगा, सुना होगा कि जो यूजुअली जब किसी को बोलते हैं व्हाट इज सीपीयू, ठीक है, तो वो बोलते हैं आपने देखा होगा अभी तक हमारा ब्रेन जो होता है, ठीक है, उसको क्यों कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, वैसे ही जो है सीपीयू भी वर्क करता है, नॉट एग्जैक्टली बट वो भी ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है. तो जब भी हम कुछ डेटा देते हैं, कुछ भी इनपुट देते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है, तो फिर हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है. आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी कि क्या होता है, ठीक है. ओवरव्यू दूंगी आपको उसी का, ठीक है. देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इनपुट यूनिट है, ठीक है. इनपुट यूनिट आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनपुट यूनिट है, ठीक है. इसके थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है. जब हम ये इनपुट देते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होता, ठीक है. सबसे पहली बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब हम इनपुट देते हैं, ठीक है, वो सिर्फ डेटा नहीं होता, ठीक है. अगर हम लोग इनपुट में सिर्फ डेटा देंगे तो दैट इज नॉट कम्प्लीट इनपुट. इनपुट में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों होने चाहिए, ठीक है. ऑब्वियसली जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस डेटा को कैसे क्या प्रोसेस करना है, ठीक है. सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि उस डेटा पे क्या काम करना है, ठीक है, उसको क्या जॉब करना है, ठीक है. तो जब हम इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट देते हैं, ठीक है, तो वो उसके साथ क्या हो जाता है, वो सीधे सीपीयू में नहीं जाता, ठीक है. वो क्या जाता है, वो जाता है मेन मेमोरी यूनिट में, ठीक है. मेन मेमोरी यूनिट में जाता है तो वो वहां पे रहता है टेम्पररी स्टोर. उसके बाद जो है कंट्रोल यूनिट जो है वो सिग्नल्स करता है सेंड, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टू वे दिखाया है, ठीक है. सिग्नल सेंड करता है कि आप जिस डेटा पे काम करना है, वो जो इनपुट मिला है, वो डेटा इंस्ट्रक्शन जो है वो आप, ठीक है, वो आप बताइए कौन सी है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है.
तो फिर मेन मेमोरी में क्या करता है वो, फिर वो डेटा इंस्ट्रक्शन देता है किसको, सीपीयू को। फिर उसमें वो हो जाती है उसकी प्रोसेसिंग, एंड प्रोसेसिंग के बाद वो वापस जाता है फिर से मेन मेमोरी यूनिट में, ठीक है। फिर से वो मेन मेमोरी यूनिट में जाता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है थ्रू आउटपुट लाइन, ठीक है। तो आज से कोई भी आपको पूछे, आप ये नहीं बोलेंगे हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होता है वो फिर आउटपुट मिलता है, नहीं। द प्रॉपर टर्म इज, द प्रॉपर फ्लो इज दैट हम लोग इनपुट देते हैं वो मेमोरी में जाता है, ठीक है। वो मेमोरी में जाता है, फिर मेमोरी से वो जाता है प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है किसमें, सीपीयू में। एंड जो प्रोसेसिंग उस पर होती है वो फिर वापस से जाता है किसमें, मेमोरी में, मेन मेमोरी में, ठीक है। या जिसको आप टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, या जिसको आप रैम भी कहते हैं, ठीक है। उसमें वो जाता है, उसके बाद जब वो उसमें प्रोसेस हो जाता, सॉरी उसमें जब फिर वो सेव हो जाता है, ठीक है, टेम्परेरी सेव होता है, उसके बाद वो हमें वो रिजल्ट जो है ना हमें एज आउटपुट मिलता है थ्रू आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि प्रोसेसिंग कैसी होती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही पूरा एक्सप्लेन बताऊंगी, ठीक है, अबाउट इनपुट, अबाउट मेमोरी, अबाउट कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड ये सब कैसे करते हैं इंडिविजुअली, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन बताऊंगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो डू टेल मी, मैं वो आपको क्लियर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।